नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू की ऐसी बीमारी थी जिसके ऊपर कितना ही ठीक कर लो तो भी कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती थी या कहीं ना कहीं शंका बनी रहती थी कि भाई परीक्षा में तो पास हो गया लेकिन इंटरव्यू के अंदर उसने नंबर कम कर दिए, चाहे उसके अपने आप कम हुए हों, चाहे जानबूझ के कम किए हों या किसी के जानबूझ के बढ़ा दिए हों, ये शंकाएं बनी रहती थी। हमने कहा अब ग्रुप सी और डी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी, ये हमने घोषित किया। इसके आगे हमने एक 10 अंक विशेष ये रखे कि नहीं कुछ विशेष ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको लाभ होना चाहिए। हमने 5 अंक ये रखे कि कोई विधवा बहन है उसका बेटा बेटी या मानो खुद है तो उसको 5 अंक अतिरिक्त देंगे ताकि उसको नौकरी का सहारा मिल जाए। हमने 5 अंक और रखे कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, जिसके घर में माताजी की, पिताजी की, भाई की, बहन की, बेटी की, पत्नी की, किसी की नौकरी नहीं है या लड़की है तो पति की, यानी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर अलग देंगे ताकि अंत्योदय की भावना से हर परिवार में कम से कम एक नौकरी जाना शुरू तो हो। ये एक नया हमने पहलू किया। अब इसके आगे और एक नई बात, ये खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए है। एक सुझाव आया, एक शिकायत आई कि भी मान लो किसी घर में पहले से एक बेटी है, बेटा भी है बेटी भी है, बेटी की नौकरी लगी हुई है, बेटा इसलिए रह जाएगा कि घर में बेटी की नौकरी है और 2 साल के बाद बेटी क्या होगा, शादी होकर चली जाएगी, ये घर तो वैसे वैसा फिर रह गया। ऐसे ही कोई बहन है, उस बहन की नौकरी लगी, 2 साल बाद उसकी शादी हो गई, बाकी भाइयों को इसका असर जाता है। बड़ा गंभीरता से विचार किया और विचार करने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, इस बंधन में हम बेटी और बहन इसको छोड़ देते हैं। बेटी बहन की नौकरी भले ही हो, बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए, और बाकी किसी की होगी तभी उसको 5 नंबर, नहीं बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए उसको 5 नंबर मिल जाएंगे।